नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मैसन मैकेनिक नॉलेज पर। आज मैं आपसे बात करूंगा जो राजमिस्त्री के बहुत सारे औजार या टूल्स होते हैं, कौन सा औजार किस काम आता है उसके बारे में विस्तार से मैं आपसे बातें करूंगा। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, उससे हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपसे औजारों के बारे में जो राजमिस्त्री के औजार होते हैं, चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हम प्लास्टर करते हैं उसके बारे में। ये जो आप फंटी देख रहे हो, ये बड़ी फंटी है, ये प्लास्टर के हिसाब से छोटी बड़ी फंटी हमें हर तरीका से रखनी पड़ती है, आप देख रहे हो। और ये छोटी फंटी है, कभी कभार जैसे अलमारी या किसी की धार बनाते हैं हम तो छोटी फंटी की जरूरत पड़ जाती है। और उसके बाद ये देख रहे हो लकड़ी का, जिसे हम मिस्तर बोलते हैं, और इससे जो होता है जो बड़ा सा गैप, जैसे कोई गड्ढा फड्ढा रह जाता है प्लास्टर में, तो उसके लिए रखते हैं कि कोई गड्ढा ना रह जाए, क्योंकि अगर हम इसको घुमाएंगे तो गड्ढा रह जाएगा। और जो छोटी चित्ती रहती हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये उसके लिए, इसे हम गुटका बोलते हैं। यह है दोस्तों, जैसे कोई 4 इंच की दीवार में हम चौखट या कोई नहनी डिजाइन बनाते हैं, बारीक डिजाइन, तो ये इसे गुटकिया बोलते हैं, ये उसके लिए है। और सबसे लास्ट में आता है ये चिकना करने के लिए, जैसे हम गुरुमाला बोलते हैं ये। तो ये तो हो गए आपके प्लास्टिक के औजार। और आइए चलिए हम बात करते हैं चिनाई के औजार। ये तो आप जानते ही होंगे, ये कन्नी है जिससे छपाई करते हैं हम, ये उससे छोटी कन्नी है। और ये जो कन्नी देख रहे होंगे आप, ये छोटी छोटी जो धार होती हैं चंगला चौखट की विंडो की, उसको बनाने के काम आता है ये। और ये चिनाई के औजार हैं, अब ये बड़ा वाला फीता है, 63 फिट का है ये शायद, जो अंबुजा कंपनी की तरफ से हमको मिला है, अंबुजा कवच, सबसे पुरानी सीमेंट है ये। और ये छोटा इंची टेप है, जैसे अलमारी वगैरह या कोई छोटी मोटी अलमारी या कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो इसको नपाई तुलाई के लिए होता है ये, 10 फिट का है। और दोस्तों फिर इसे आप जानते होंगे, जब दीवार की चिनाई होती है तो दीवार की चिनाई में ये बहुत अहम रोल निभाती है सीधा करने के लिए, इसके बगैर दीवार को चिन पाना मुश्किल है। इससे ही हम देखते हैं कि दीवार जो आपकी ईंटा है वो बाहर निकल रही है या अंदर है। और दोस्तों इसे तो आप जानते होंगे, इसे अंग्रेजी में स्ट्रिप लेवल बोलते हैं, और वैसे हम इसे पारा लेवल बोलते हैं। ये जैसे कोई टाइल पत्थर या किचन पिचन का काम करते हैं हम, तो फंटी पर इसको ऐसे रखकर पता लगा लेते हैं कि किधर नीचा है किधर ऊंचा है, फ्रीमेंसी की ये पारा लेवल है। उसके बाद ये बसूली है, जिससे हम ईंटों को काटते हैं, साथ में ये ठोकने के काम आता है, इधर से ठोकने पर। और ये छेनी है, जैसे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा निकल जाती है, कोई सूरा करना होता है दीवार में, तो इससे ये ठोक कर करते हैं। और उसके बाद ये गुनिया है, जिसे राइट एंगल बोलते हैं, इससे हम मकान को गुनिये में करते हैं, या कोई जैसे कमरा चिन्ना होता है तो उसके ये ऐसे लगा देते हैं, 90° के कोण में होता है ये, तो इसे गुनिया बोलते हैं, राइट एंगल। और ये आपका सूत है, इसको दीवार में बांधकर इसकी ही सीट पर चलती है ये चिनाई जो भी है, ये इसकी किनारी पर लगाया जाता है, दीवार की किनारी पर। और इसके बाद ये आरी है, सेमरिया कहते हैं, इससे सरिया फरिया जो कुछ भी होता है इससे वो काटा जाता है। और ये आप देख रहे हो, ये पाइप लेवल है, जिसे वाटर लेवल भी बोलते हैं। ये दीवार या किसी भी चीज़ को ऊंचा नीचा देखते हैं, जब कभी भी आपने देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि जब कभी भी जैसे किसी ऊंची बिल्डिंग या किसी पहाड़ की ऊंचाई नापते हैं तो उसमें हमेशा लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, क्योंकि जितने पर समुद्र है सब समुद्र का जो पानी है सब बराबर है, तो पानी हमेशा बराबर होता है, आप किसी भी बर्तन में भर दीजिए। तो इसी वजह से इसमें पानी भरकर
ऊंचा नीचा नापते हैं, तो इसे हम वाटर लेवल भी बोलते हैं। अब ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो, इसे हम डाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सरिया टेढ़ी होती हैं तो इसमें फंसा कर उसे सीधा करते हैं, या कहीं पर जैसे क्रैंक लेंटर में आपने देखा होगा जाल बिछाने में क्रैंक या बैंड देते हैं, तो ये इसी से देते हैं, इसी में फंसा कर जब देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे औजार समझ में आ गए होंगे, ये चिनाई से संबंधित जो औजार हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारे औजार होते हैं, लेकिन वो थोड़ा मेसनरी से ऊपर निकल जाते हैं, वो ऑल लाइन में औजार पहुँच जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। राजमिस्त्री से संबंधित जितने पर भी टूल्स हैं, मैंने आपको उनके बारे में विस्तार से बताया है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, बस आपको एक क्लिक करना है, लेकिन इससे हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलना।